हेलो गाइस, हम अपने बच्चों की केयर करते हैं, उनको बहुत ध्यान से बड़ा करते हैं, उनके लिए एक एक चीज़ चुनते वक्त बहुत ही ध्यान से हम ये सोचते हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उनके लिए सुटेबल होना चाहिए, उनके लिए अच्छा होना चाहिए, उनको सेफ वो होना चाहिए प्रोडक्ट, ये सब हम सोचते हैं। तो ये सब हम सोचकर उनके लिए हर डेली यूज़ की चीज़ों का हम उनका सिलेक्शन करते हैं। तो ऐसे ही हम बच्चों के सोप, बच्चों का वॉश, बॉडी वॉश जो होता है, शैम्पू, हेयर ऑयल, मसाज ऑयल, ये सभी का हम सिलेक्शन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का सिलेक्शन करने से पहले हम उस चीज़ की खूबियाँ, उस चीज़ के कोई बैक फायर पॉइंट्स तो नहीं हैं, या फिर उसके और कितने अच्छे हम अपने बच्चे को, हमारे बच्चे को कौन सा प्रोडक्ट सूट कर रहा है ज़्यादा अच्छे से और कौन सा नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। और ये सब ध्यान में रखते हुए ही हम उन सब चीज़ों का चुनाव करते हैं। तो आज हम शैम्पू की बात करेंगे। बच्चों के बाल बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही, उनके जो स्कैल्प होती है सर में, वो बहुत ही सेंसिटिव कह सकते हैं, या फिर बहुत ही नाजुक होती है। तो ऐसी टाइम पे हम जब बच्चों के लिए शैम्पू वगैरह का चुनाव करते हैं या उनका सिलेक्शन करते हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आजकल मार्केट में बहुत सारे बेबी केयर रेंज आए हुए हैं, उनमें से एक है जॉनसन एंड जॉनसन, जॉनसन बेबी केयर शैम्पू, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एक जॉनसन बेबी का शैम्पू है जो कि रूटीन शैम्पू है, जो कि है जॉनसन बेबी शैम्पू, जो कि रूटीन शैम्पू है, नॉर्मल है। और इसमें इन्होंने नो मोर टीयर्स यानी कि नो टीयर्स फार्मूला को ऐड किया है। अगर ये शैम्पू से हम बच्चे को नहलाते हैं तो उसको टीयर्स का प्रॉब्लम नहीं होता। और ये जो रूटीन शैम्पू है, ये इरिटेशन, इन्फेक्शन, रेडनेस, स्टिंगिंग, जो भी बच्चों को प्रॉब्लम रहता है उस सबको प्रिवेंट करने के लिए अच्छा है। और इसका जो ट्रिपल बेबी प्रोटेक्शन है, इम्प्रूव फार्मूला है। और इसके अंदर, इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है जब से मेरे बेबी, मैंने फर्स्ट टाइम शायद यही यूज़ किया था, मेरे बेबी जब बॉर्न हुआ उसके बाद से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो अभी तक तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहा। तो इसमें इन्होंने क्या क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसमें ये जो शैम्पू है, इसमें सोप, थोड़ा सा सोप वाला पार्ट कम है, और इसमें बच्चे के लिए सेफ्टी भी है, साथ ही साथ ये जेंटली क्लीन करता है बच्चे की स्किन को, स्कैल्प को। तो उस वजह से ये क्या है, उनके लिए हेल्पफुल है। अगर प्रॉब्लम होता है स्कैल्प में ईचिंग का, इरिटेशन का, रेडनेस का, या फिर स्टिंग कर रहा है बच्चा उसका सर में, कई बार खाते पीते दूध पीता है तो सर से होते हुए दूध चला जाता है बालों में, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो सब के लिए बच्चे को एक अच्छा हेयर वॉश या हेयर शैम्पू ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए मैं जॉनसन एंड जॉनसन का ये जॉनसन बेबी शैम्पू यूज़ कर रही थी, लेकिन अब मेरा बच्चा कुछ दिनों में 2 साल का होने वाला है, तो मैंने नई रेंज देखी थी मार्केट में। अभी रिसेंटली मैं जब मार्केट गई तो मैंने नई रेंज देखी जॉनसन बेबी शैम्पू का, जो कि 2 इयर्स से ऊपर वाले बच्चों के लिए है। तो उसमें 2 इयर्स से ऊपर वाले बच्चों के लिए जो नई रेंज आई है, उसमें ये 2 शैम्पू आए हैं। इनका कलर तो अमेजिंग है ही, पैकेजिंग अच्छा है, अट्रैक्टिव है। तो मुझे देखते ही इस पे ध्यान पड़ गया। तो इसका इन्होंने है कि जॉनसन एक्टिव किड्स, जॉनसन एक्टिव किड्स करके हैं। बच्चे आजकल क्या होता है कि
ज़्यादा ही एक्टिविटी वगैरह में अगर बच्चा इन्वॉल्व रहता है, धूल मिट्टी वगैरह से उसका सामना होता ही रहता है, या थोड़ी परेशानी मतलब कि उसको डर्ट वगैरह ज़्यादा उसके टच में रहता है, तो जॉनसन एक्टिव किड्स ये जो शैम्पू है ये अच्छा है। इसमें भी नो मोर टीयर्स वाला फॉर्मूला है, बट ये 2+ वाले बच्चों के लिए हैं। तो इसमें ये जो शैम्पू है इसका स्पेसिफिक फीचर है कि ये सॉफ्ट एंड स्मूथ शैम्पू है और रूट टू टिप मॉइस्चराइज करता है। और इसके अंदर है क्या एक्चुअली, जो आप इसका कलर देख रहे होंगे गोल्डन ब्राउन ऐसा कुछ येलोइश कलर है, तो उसके इसका कलर ऐसा है क्योंकि इसके अंदर हनी और वीट एक्सट्रैक्ट्स हैं। तो अब हम सब जानते हैं हनी वीट ये नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो उनका यूज़ करने में हेजिटेशन कम होती है, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स के वजह से ये अच्छा है। तो इसमें क्या है कि जब बच्चा ग्रो अप करता है तो ग्रो अप करने के साथ साथ क्या होता है कि बच्चे के बालों का नेचर भी चेंज होता है, और उसी के लिए स्पेशली डेवलप किया गया है फॉर्मूला। और जो ये शैम्पू है वो नेचुरल शाइन को बूस्ट करता है, और फ्रिजी जो हेयर होते हैं मतलब खेलने कूदने के बाद जो बाल फ्रिजी फ्रिजी से हो जाते हैं तो उसको भी ये रिड्यूस करता है, और हेयर को सिल्की स्मूथ और हेल्दी लुकिंग बनाता है। तो ये एक तो ये ऑप्शन मुझे अच्छा लगा, इसको मैंने एक बार यूज़ करके देखा है, तो हाँ ठीक है, फ्रिजी हेयर वगैरह को ये रिड्यूस करता है और है शाइनी और हेल्दी लुकिंग हेयर इससे। हाँ मैं सेटिस्फाइड, ठीक है प्रोडक्ट ये मुझे अच्छा लगा। और साथ ही एक और प्रोडक्ट है इसी का, जॉनसन एक्टिव किड्स का ही, ये भी 2+ ईयर्स के ऊपर वाले बच्चों के लिए ही है। तो इसमें क्या है कि इसका जो स्मेल है वो बहुत अच्छा है, इसका स्मेल इतना फ्रेश इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्मेल है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग फ्रेश स्मेल है। साथ ही जो ये है क्लीन एंड फ्रेश हेयर के लिए शैम्पू इन्होंने बनाया है, तो स्मेल गुड लॉन्गर। और ये जो शैम्पू है इसमें क्या क्या है, हाँ जो ये जो जॉनसन बेबी सो उनके जितने भी प्रोडक्ट्स थे इन सब में ये सोप प्री फॉर्मूला है, सोप प्री फॉर्मूला में, तो इसमें ये क्या क्या है कि दिस इज़ नॉन इरिटेटिंग फॉर्मूला यूनिकली इन्फ्यूज विद एक्टिव फ्रेश टेक्नोलॉजी टू हेल्प प्रिवेंट स्वेट टर्निंग स्मेली व्हेन इट डीपली क्लिंजिज हेयर एंड स्कैल्प। ओके, जो स्वेट हम स्वेटिंग बच्चों को होता है फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पर, तो ये क्या करता है उसको प्रिवेंट करता है, और स्कैल्प को रूट लेवल तक ये क्लीन करता है। तो ये भी अच्छा प्रोडक्ट है, और जॉनसन के ये प्रोडक्ट्स हैं तो ऑफकोर्स ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड रहते हैं, पहले ही बहुत सारे लेवल्स पर इनका सेफ्टी टेस्टिंग किया जाता है। और साथ ही इनको मैंने भी यूज़ किया, तो मेरे बेबी को इससे अच्छा उसका हेयर केयर जो अच्छा हो रहा है, और अच्छा है ठीक है, शैम्पू बहुत अच्छा है। और जो ये नए जो दो रेंज इन्होंने निकाला है वो तो मुझे बहुत ही पसंद आया, उसका जो एक का तो स्मेल इतना अच्छा है और दूसरे के जो क्या बोलें कि क्लीनिंग प्रॉपर्टी और जितना भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही इम्प्रेसिव हैं, और मैं चाहूँगी इनको यूज़ करना, और बेबी को भी इससे अच्छा फ़ायदा हो रहा है। तो इस बारी के लिए इतना ही, और मिलते हैं, बाय बार बार।